Assalamu alaikum, myself Dr. Sidharandali, welcome you all on the platform of telemedical education. Aaj jo hum topic study kar rahe hain wo hai hamare paas antiprotozoal drug. Agar hum antiprotozoal ki baat kare to isme hamare paas three tarah ki drugs aati hain. Kuch drugs hain jo anti malarial hain agents hain, kuch drugs hain jo amoebiasis mein use hoti hain, jabki kuch drugs hain jo other parasites ke against hoti hain, jaise such as leishmaniasis wagera hain. तो सबसे पहले हम एंटी मलेरियल की बात करते हैं. इसमें हमारे पास क्लोरोक्विन, आर्टिमिसिन, मेफ्लोक्विन, प्रेमाक्विन, क्यूनिन, एंटीफोलेट्स वगैरह आती हैं. और उसके साथ साथ एमएबीएसएस की बात करें तो उसमें हमारे पास मेट्रोनिडाजोल, डायलोक्सनाइड, एमेटीन, आइडोक्विनोल आते हैं. और जबकि जो हमारे पास ड्रग्स होती हैं कुछ अदर पैरासाइट्स के अगेंस्ट में हमारे पास सुडोमोसाइसिस्टोसिस आती हैं, टॉक्सोप्लास्मोसिस आती हैं, लेशमैनियासिस आती हैं, उसके साथ ट्राइपोनोसोमियासिस आते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन ड्रग्स की जो कि मलेरिया में यूज होती हैं. मलेरिया एक्चुअली हमारे पास मोस्ट कॉमन डिजीज है वर्ल्ड वाइड और ये लीडिंग काज है उसके साथ साथ डेथ की. उसमें हमारे पास फोर स्पीशीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लाज्मोडियम की जो कि कॉमनली इन्फेक्ट करते हैं ह्यूमंस को. जिसमें हमारे पास आती हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवली एंड उसके साथ प्लाज्मोडियम वाइवैक्स. इसीलिए मोस्टली ड्रग्स होती हैं इन्हीं मलेरियल के अगेंस्ट आती हैं. जो हमारे पास प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम है और प्लाज्मोडियम मलेरी है, ये दोनों जो हमारे पास होते हैं ना, इनमें जस्ट वन साइकिल होता है लीवर सेल इन्वेजन का. वन साइकिल है इसलिए इसमें हमारे पास रिकरेंट इन्फेक्शन नहीं होते. जबकि जो हमारे पास जो प्लाज्मोडियम ओवली और वाइवैक्स है ये डोमिनेंट हेपेटिक स्टेज है इनकी, इसलिए इनके रिकरेंट इन्फेक्शन भी होते हैं और बार बार रिलैप्सिस भी होते हैं. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती हैं कुछ ड्रग्स जो कि प्राइमरी टिश्यू सीजोंटिसाइड हैं, कुछ ऐसी हैं जो ब्लड सीजोंटिसाइड हैं. अगर हम टिश्यू की बात करें तो उसमें हमारे पास ड्रग प्राइमाक्विन आती है. और अगर हम ब्लड सीजोंटिसाइड की बात करें तो उसमें हमारे पास क्लोरोक्विन आती है, आर्टिमिसिन आती है और क्यूनिन आती है. ये आपको बताने के लिए बच्चों मैं साथ साथ लिखती भी चाहती हूँ. एक होते हैं टिश्यू हमारे पास सीजोंटिसाइड जिसमें एक ही ड्रग आती है प्राइमाक्विन, जबकि दूसरा हमारे पास है ब्लड सीजोंटिसाइड जिसमें हमारे पास आती है क्लोरोक्विन, क्यूनिन और आर्टिमिसिन. ये तीन आती हैं ये हमारे पास ड्रग जो कि ब्लड सीजोंटिसाइड्स हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरोक्विन की. क्लोरोक्विन जो है हमारे पास फोर अमाइनोक्विनोलोन डेरिवेटिव है और ये रैपिडली ऑरली अब्सॉर्ब है तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी ज्यादा है, जबकि मोस्टली जो एंट एसिड्स होते हैं इसके ऑरल अब्सॉर्प्शन को डिक्रीज करते हैं. तो सबसे पहले हम मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं. क्लोरोक्विन जो है इसका ये मैकेनिज्म है कि ये हमारे पास ये क्या करती है, क्लोरोक्विन जो होती है ये एक्चुअली जाके जो प्लाज्मोडियो के फूड वैक्यूल्स होते हैं उनमें जाके अकोमुलेट हो जाती है. तो जब ये उसमें जाके अकोमुलेट होती है तो उसकी वजह से ये प्रिवेंट करती है पॉलीमराइजेशन की और जो हीमोग्लोबिन से कन्वर्ट हो रही होती है हीम हेमाजोइन में उसको कन्वर्ट नहीं होने देती. क्या होता है क्लोरोक्विन का ये मैकेनिज्म है कि एक्चुअली जो प्लाज्मोडिया के फूड वैक्यूल्स होते हैं उनमें जाके अकोमुलेट होती है जिसकी वजह से ये पॉलीमराइजेशन प्रिवेंट कर देती है और हीम को कन्वर्ट नहीं होने देती हेमाजोइन में. तो हम कहते हैं हीम की कन्वर्जन जो होती है वो हेमाजोइन में होती है, उसको कन्वर्जन नहीं होने देती. तो जिसकी वजह से हीम जो है वो अकोमुलेट हो जाना स्टार्ट हो जाती है सेल्स में. और जब ये पैरासाइट के इंट्रासेलुलर अकोमुलेशन ज्यादा हो जाती है हीम की तो वो टॉक्सिक हो जाती है, जिसकी वजह से हम कितने पैरासाइट जो होते हैं उसकी डेथ हो जाती है. तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस आती है जहाँ पे पैरासाइट्स में रेजिस्टेंस आती है ना क्लोरोक्विन की, उसका ये मैकेनिज्म होता है. या फिर क्लोरोक्विन की वजह से अदर एंटी मलेरियस उसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो इंट्रासेलुलर अकोमुलेशन हो रही होती है ना हीम की वो डिक्रीज हो जाती है. जब वो डिक्रीज हो जाएगी तो उसकी किसकी वजह से, क्योंकि मेम्ब्रेन के जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं उनकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से हम कहते हैं रेजिस्टेंस आ गई है ये. तो जिसकी वजह से हम कहेंगे रेजिस्टेंस को हम कहते हैं अगर हम सपोज हम कहते हैं कि एक प्लाग है कि क्लोरोक्विन की जो इंट्रासेलुलर अकोमुलेशन होनी होती है ना वो डिक्रीज हो जाती है, वो किसके थ्रू, एक ट्रांसपोर्टर के थ्रू जो कि इनकोड कर रहा होता है हम TFCRT जीन को, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस ट्रांसपोर्टर. ये ट्रांसपोर्टर क्या करता है, ये डिक्रीज कर देता है क्लोरोक्विन के अकोमुलेशन को, इंट्रासेलुलर अकोमुलेशन को, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम में रेजिस्टेंस आ गई है.
तो इसके हमारे पास यूजेस क्या है, क्लोरोक्वीन जो है हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस है, कहाँ कहाँ ड्रग ऑफ चॉइस है हमारे पास, नॉन फैल्सिपेरम अक्यूट अटैक ऑफ नॉन फैल्सिपेरम में उसके साथ साथ, एंड सेंसिटिव फैल्सिपेरम मलेरिया में उसके साथ साथ, कीमोफाइलेक्सिस में, एक्सेफ प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम रेसिस्टेंस वहाँ पे एज ए ड्रग ड्रग ऑफ चॉइस यूज होती है। उसके साथ साथ जो क्लोरोक्वीन है प्लस हाइड्रोक्लोरोक्वीन, इनका कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जाता है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं रोमाटॉइड आर्थराइटिस में यूज किया जाता है। ठीक हो गया बच्चों। इसके साथ हमारे पास टॉक्सिसिटी है। टॉक्सिसिटी की अगर हम बात करें क्लोरोक्वीन की, तो क्लोरोक्वीन जो है हमारे पास टॉक्सिक में हम लोग याद करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला याद करते हैं, और वो हमारे पास निमोनिक्स है, जी आर ए एन ए ए जी आर ए एन ए एस एच बी। जी मीन्स गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इरिटेशन है, आर मीन रेटिनल डैमेज है, ए मीन ऑडिटरी इम्पेयरमेंट है, एन मीन न्यूरोपैथी है, और ए को हम साइलेंट कह देंगे, एस मीन स्किन रैशेस हैं, और जबकि एच मीन हेडेक, और बी को भी हम साइलेंस करेंगे। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है टॉक्सिसिटी में क्लोरोक्वीन के याद करने के लिए। उसके बाद हमारे पास जो सेकेंड ड्रग इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास क्यूनीन है। क्यूनीन जो है हमारे पास, अगर हम क्यूनीन की बात करें तो क्यूनीन जो हमारे पास है इसका ये मैकेनिज्म है कि ये एक्चुअली क्यूनीन जो होती है कम्प्लेक्स बना देती है जाके डीएनए के डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ, और ये जो स्ट्रैंड की सेपरेशन है उसको नहीं होने देती, जिसके रिजल्ट में क्या होता है डीएनए की रेप्लिकेशन ब्लॉक हो जाती है, या हम कहते हैं डीएनए की जो ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है आरएनए में वो ब्लॉक हो जाती है। ये हमारे पास क्यूनीन जो है हमारे पास ब्लड स्टिजोंटिसाइड है, इसको हम लोग ब्लड स्टिजोंटिसाइड है, और इसका एक हमारे पास एक और आती है स्टीरियो आइसोमर आता है, जिससे जो कि डेक्सा रोटेटरी होता है वो है क्यूनिडीन, क्यूनिडीन आता है, इसको हम लोग आईवी इंजेक्ट करते हैं तो वेयर कॉम्प्लिकेटेड प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम मलेरिया में। उसके साथ साथ क्यूनीन का प्लस क्यूनीन प्लस हम डॉक्सीसाइक्लिन या फिर क्लिंडामाइसिन का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, यूज करते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी करने के लिए, और उसके साथ साथ टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। क्यूनीन की टॉक्सिसिटी हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास टॉक्सिसिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूएचएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम्स में मोस्टली आती है। इसमें फर्स्ट हमारे पास आती है सिंकोनिज्म, और सिंकोनिज्म जब हो जाएगा तो उस टाइम साइड इफेक्ट जो है वो जीआईटी डिस्टर्ब होगा, हेडेक, वर्टिगो, ब्लड वियन हो जाएगी, या फिर टिनाइटिस हो जाएगा, जो हम कहते हैं रिंगिंग होती है हेड में। उसके साथ साथ हेमाटोटॉक्सिक इफेक्ट है, जिसमें हम कहेंगे हीमोलिसिस हो जाएगी उन पेशेंट्स में जिनमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज जो होता है वो डेफिशिएंट पेशेंट, उनमें हीमोलिसिस हो जाएगी, हम कहते हैं हेमाटोटॉक्सिक इफेक्ट आ जाएंगे। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉक्सिक इफेक्ट है ब्लैक वाटर फीवर हो जाता है, और जब ब्लैक वाटर फीवर हो जाता है इट मीन्स इंट्रावेस्कुलर जो होती है हीमोलिसिस हो गई है, इसमें जो हमारे पास फेटल कॉम्प्लिकेशन आते हैं क्योंकि क्यूनीन सेंसिटाइज पेशेंट में ये मोस्ट फेटल डिजीज है हमारे पास ब्लैक वाटर फीवर जो आती है इसकी टॉक्सिसिटी वजह से क्यूनीन की। लेकिन हमारे पास जो इम्पोर्टेंट बच्चों ड्रग है वो है प्राइमा, थर्ड जो इम्पोर्टेंट ड्रग है वो है प्राइमाक्विन। प्राइमाक्विन जो है हमारे पास सिंथेटिक है, 8 अमीनो क्विनोलोन्स में आती है, और ये हमारे पास क्या करती है प्राइमा, ये अकॉर्डिंग टू इसमें ये होता है एक्चुअली ये प्राइमाक्विन जो होती है ये क्या करती है, ये बनाती है क्यूनोलिन क्यूनोइन मेटाबोलाइट, क्यूनोलिन क्यूनोन मेटाबोलाइट्स बनाती है एक्चुअली, जो क्या करते हैं जो मेटाबोलाइट्स होते हैं ये रिडॉक्स एक्चुअली कंपाउंड होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफरिंग कर रहे होते हैं, और ये सेलुलर ऑक्सीडेंट पे के तौर पे काम करती है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो ये टिश्यू स्टिजोंटिसाइड में आती है प्राइमाक्विन जो हमारे पास वही ड्रग है जो कि टिश्यू स्टिजोंटिसाइड में आती है, जबकि क्लोरोक्वीन क्यूनीन जो होती है हमारे पार्टिमिसिंस वगैरह वो ब्लड स्टिजोंटिसाइड में आती है। ये हमारे पास क्या करती है, ये क्या करती है, ये लिमिट करती है बैक्टीरिया के ट्रांसमिशन को बाय एक्टिंग ऑन द गेमेटोसाइट, गेमेटोसाइट पे एक्ट करती है। इसके यूजेस क्या क्या है, फर्स्ट ये प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और प्लाज्मोडियम ओवेली जो है
उसकी लीवर स्टेजेस को इरेडिकेट करने के लिए यूज होती है. सेकंड हम एज ए कंजक्टिव यूज करते हैं प्राइमाक्विन को प्लस किसी ब्लड सीजोंटिसाइड्स को. ठीक है, उसके साथ साथ प्राइमाक्विन का एक इम्पॉर्टेंट यूज है कि इसको हम एक्चुअली अल्टरनेट या फिर हम कहते हैं डेली टेंडर डेली जो हमारे पास है प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए यूज करते हैं. प्राइमरी फर्स्ट हमारे पास इम्पोर्टेंट प्राइमरी प्रिवेंशन में यूज होती है. उसके साथ साथ कहाँ यूज होती है प्राइमाक्विन जो है, इसको हम लोग एक स्टैंडर्ड कोर्स होता है 14-day कोर्स होता है प्राइमाक्विन का, जिसमें हम आफ्टर क्लोरोक्वीन यूज करते हैं. जब फर्स्ट हम क्लोरोक्वीन को यूज करते हैं, जब क्लोरोक्वीन को यूज एंड हो जाता है उसके हम लास्ट में हम 14-day थेरेपी दे देते हैं प्राइमाक्विन के साथ पैरासाइट को इरेडिकेट करने के लिए, क्योंकि ये गेमेटोसाइट है. ठीक है, इसकी जो टॉक्सिसिटीज में आती है हमारे पास जीआईटी डिस्टर्बेंस आता है, प्रूराइटस आ जाता है, मेटथर्मोग्लोबुलिनेमिया आ जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं अगर सुवेयर साइड इफेक्ट है तो हिमोलिसिस हो जाती है. तो इसमें हमारे पास कुछ एक टेबल है इम्पोर्टेंट, वो हम देख लेते हैं कि टेबल मलेरिया में हमारे पास ये बच्चों ड्रग टेबल है जो कि ड्रग यूज ना ट्रीटमेंट ना मलेरिया यूज हो रहा है. फर्स्ट हमारे पास क्लोरोक्वीन है, क्लोरोक्वीन की बात करें तो ये यूज होती है प्रोफाइलेक्सिस में इन द ट्रीटमेंट ऑफ एरियाज विदाउट द रेजिस्टेंस प्लास्मोडियम फैल्सिपैरम, और इसमें हम प्लास्मोडियम वोवैक्स और प्लास्मोडियम ओवैली के अगेंस्ट हम इसे यूज करते हैं. ठीक हो गया, तो इसमें हमारे पास एडवर्स इफेक्ट भी लिखते हुए साथ साथ क्या आते हैं. सेकेंड हमारे पास आर्टिमिसिनिन्स हैं, ये क्या है स्टैंडर्ड ऑफ रेट है कहाँ पे ऑल क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंस मलेरिया में. उसके बाद थर्ड हमारे पास मेफ्लोक्वीन है, ये प्रोफाइलेक्सिस एंड ट्रीटमेंट इन एरिया विद रेजिस्टेंस प्लास्मोडियम फैल्सिपैरम यूज होती है. देन क्यूनिन है, ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस मलेरिया में यूज होती है, जहाँ पे कोई और ड्रग नहीं काम कर रही वहाँ पे क्यूनिन दे देंगे. उसके साथ साथ प्राइमाक्विन है, प्राइमाक्विन जो अभी हमने पढ़ा है प्लास्मोडियम वोवैक्स प्लास्मोडियम वोली ओवेली के अगेंस्ट यूज होती है, कहाँ पे जहाँ पे हमने लीवर स्टेजेस को रेडिकेट करना होता है. उसके साथ एंटीफोलेट्स हैं, वो यूज होते हैं प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस प्लास्मोडियम फॉल्सिपैरम की मलेरिया में. उसके साथ साथ टोवाक्विन है, प्रोबोवनिल है जिसको हम मेलारोन भी बोलते हैं, जो वो भी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस प्लास्मोडियम फैल्सिपैरम मलेरिया के अगेंस्ट होती है. बच्चों ये आप लोगों ने टेबल देख लेना है. उसके बाद हमारे पास आती है, इसमें से इम्पोर्टेंट आप लोगों ने बाकी देख लेना है. इसमें एंटीफोलेट्स आप लोगों ने ड्रग्स देख लेनी है. एंटीफोलेट्स जो है इसमें हमारे पास आती हैं पाइरीमेथामिन आती है, प्रोगोबनिल है, सल्फाडॉक्सिन है, डेप्सोन्स है. इनमें जस्ट आप लोगों ने बच्चे याद नाम याद रखने, उसके साथ साथ एक कॉम्बिनेशन है हमारे पास फेंसीडार का, वो याद रखना आप लोगों ने. इसमें फेंसीडार जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है मोस्टली यूज होता है, इसमें हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है पाइरीमेथामिन का प्लस सल्फाडॉक्सिन का. ठीक हो गया, अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट हमारे पास है यूएचएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो हमारे पास है ड्रग्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया इन ट्रेवलर्स. तो इसमें अगर हम बात करें ट्रेवलर्स में प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया में हम कौन सी ड्रग्स यूज करते हैं, तो इसमें हमारे पास रेजीम यूज होते हैं. तीन चार बच्चे वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ. फर्स्ट जो रेजीम यूज होता है वो होता है क्लोरोक्वीन का, जिसको हम क्लोरोक्वीन जो होती है फर्स्ट हमारे पास रेजीम है क्लोरोक्वीन का. क्लोरोक्वीन जो है इसको हम वीकली यूज करते हैं, कहाँ पे जहाँ पे विदाउट रेजिस्टेंट प्लास्मोडियम फैल्सिपैरम है वहां पे. सेकंड हमारे पास रेजीम है जिसमें एडेड ड्रग मेफ्लोक्वीन. मेफ्लोक्वीन को हम वीकली यूज करेंगे कहाँ पे, जहाँ पे प्लास्मोडियम फैल्सिपैरम जो है वो रेजिस्टेंस है क्लोरोक्वीन से. ठीक हो गया, थर्ड हमारे पास रीजन है, उन रीजन में हम यूज करेंगे जहाँ पे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस मलेरिया है, वहां पे हम क्या करेंगे डॉक्सीसाइक्लिन दे देंगे या फिर मेलोरोन दे देंगे. और मेलोरोन जो हमारे पास कॉम्बिनेशन में है अटोवाक्यून की और प्रोगोवनिल की, इसको हम ऑडिट थेरेपी में, वो ड्रग्स को ऑडिट थेरेपी में देंगे. जो फोर्थ हमारे पास रेजीम है उसमें हमारे पास आती है प्राइमाक्वीन, जो कि एक टिश्यू सीजोंटिसाइड है, इसको हम टर्मिनल प्रोफाइलेक्सिस ऑफ प्लास्मोडियम वोवैक्स और ओवैलिक इन्फेक्शन में देते हैं या फिर अल्टरनेट इन प्राइमरी प्रिवेंशन में देते हैं, जो कि 14-day हमारे पास
ओडी थेरेपी है प्राइमाक्विन की। ये फोर रेजिम्स है जो हम यूज करते हैं। फर्स्ट हम क्लोरोक्विन यूज करते हैं प्रोफाइलेक्सिस में, कहाँ पे, जहाँ पे विदाउट रेजिस्टेंट प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, और जहाँ पे रेजिस्टेंट है प्लाज्मोफाल्सिपेरम वहाँ पे हम मेफ्लोक्विन दे देंगे, और जहाँ मल्टी ड्रग डॉक्सीसाइक्लिन या फिर मेलोरॉन दे देंगे, और जहाँ पे हम लोगों ने 14 ड्रग ट्रीटमेंट देना है तो प्राइमाक्विन दे देंगे, जहाँ पे हम कहेंगे प्रोफाइलेक्सिस में हम प्लाज्मोडियम वैल्यूर वावेक्सिन। देन हमारे पास आ जाती हैं ड्रग्स जो कि अमीबियसिस में यूज होती हैं। इसमें हमारे पास कुछ ड्रग्स हैं जो टिश्यू सीजोंटिसाइड्स हैं, कुछ हैं जो हमारे पास ब्लड ल्यूमिनल अमीबिसाइड्स हैं जो टिश्यू अमीबिसाइड्स हैं। इसमें हमारे पास क्लोरोक्वीन, एमेटोइन्स और मेटोनिडाजोल है, साथ साथ टिनिडाजोल है, जबकि जो ल्यूमिनल अमीबिसाइड्स में हमारे डेलोक्सानाइक्यूरेट है, आइडोक्यूनोन है, प्रोमोमाइसिन है। ये ओनली ल्यूमिन में एक्ट करती है बाउल की। तो इसमें हमारे पास बच्चों इंपॉर्टेंट है वो एक टेबल है ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अमीबियसिस, ये आपने याद करना है। फर्स्ट हमारे पास एसिम्प्टोमेटिक इंटेस्टाइनल इंफेक्शन, इसमें हमारे पास डेलोक्सानाइक्यूरेट यूज होता है जिसको हमने याद करने के लिए, या फिर ऑल्टरनेट ड्रग हमारे पास यूज होती है जिसमें हमारे पास आ जाती है आइडोक्यूनोन और प्रोमोमाइसिन। इसमें हम लोग याद करेंगे निमोनिक से DIP, और डी से मुराद है हमारे पास डेलोक्सानाइड, आई मीन आइडोक्यूनोन, एंड पी मीन प्रोमोमाइसिन। सेकेंड हमारे पास है माइल्ड टू मॉडरेट इंटेस्टाइनल इंफेक्शन, हम मेटोनिडाजोल प्लस ल्यूमिनल एजेंट देंगे, ल्यूमिनल एजेंट्स मीन डेलोक्सानाइड, आइडोक्यूनोन और प्रोमोमाइसिन। तो इसमें हम लोग ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट में टिनिडाजोल, टेट्रामाइसिन या टेट्रासाइक्लिन देंगे। तो इसमें हम लोग TET एक निमोनिक याद रखते हैं, उससे याद रखेंगे। थर्ड हमारे पास है स्क्वेयर इंटेस्टाइनल इंफेक्शन, वहां पे हम देंगे मेटोनिडाजोल या टिनिडाजोल प्लस हम कर देंगे ल्यूमिनल एजेंट्स। तो इसमें हम भी याद रखेंगे निमोनिक TET मींस टेट्रासाइक्लिन, एमेटीन एंड डीहाइड्रोएमेटीन। उसके बाद हमारे पास लास्ट है हेपेटिक अब्सिसन अदर एक्सट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज, जिसमें हम आप मेटोनिडाजोल या फिर टिनिडाजोल प्लस ल्यूमिनल एजेंट यूज होते हैं, जिसमें हम एक निमोनिक याद रखेंगे CDE। सी मीन एमेटिन है एंड डी मीन डीहाइड्रोएमेटिन एंड ई मीन क्लोरोक्विन है प्लस क्लोरोक्विन। ठीक हो गया बच्चों, ये हमारे पास एमएबेसिस में एक टेबल जो आपको याद रखना है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास क्वेश्चन है एवरी अल्टरनेट ईयर पे हमारे पास आ रहा है आपके एग्जाम में, वो हमारे पास है इसका मेट्रोनिडाजोल का। मेट्रोनिडाजोल को मोस्टली आप क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि राइट डाउन द 8 यूजेज ऑफ मेट्रोनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल के 8 यूजेज देखें। तो वो हम लोग देख लेते हैं इसी इसी स्टेप में। तो मेट्रोनिडाजोल एक्चुअली हमारे पास है क्या, ये मेट्रोनिडाजोल और टिनिडाजोल दोनों साथ साथ आती हैं, ये इक्वली इफेक्टिव है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यूज में। उसके साथ इनका मैकेनिज्म क्या है, ये अंडरगो करती है मेट्रोनिडाजोल जो होती है रेडियो, ये रिएक्टिव बायो एक्टिवेशन हो जाती है इसके नाइट्रो ग्रुप की बायो फेरोडॉक्सन, और फेरोडॉक्सन जो होती है एनरोबिक पैरासाइट्स में पाई जाती है, जिसकी वजह से रिएक्टिव साइटोटॉक्सिक प्रोडक्ट बनते हैं जो कि पैरासाइट के लिए टॉक्सिक होते हैं। इसमें हमारे पास क्या क्या क्लिनिकल यूजेस हैं, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, उसको याद करने के लिए आप लोगों ने एक फॉर्मूला छोटा सा याद रख लेना है। ड्रग ऑफ चॉइस इंटेस्टाइनल वॉल डिजीज में, उसके साथ साथ हमारे पास हेपेटिक एब्सिसिस में, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मिबिक डिजीज में प्लस 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 एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है। इसमें हम लोगों ने याद रख लेना है फॉर्मूला जो कि हमारे पास है ABCDEFGHI, ABCD को आपने पढ़ते जाना है। और ए मीन्स अमीबियसिस में यूज होती है मेटोनिडाजोल, बी मीन बैक्टीरियोइड्स के अगेंस्ट यूज होती है जिसमें क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसाइल वगैरह आते हैं या फिर बैक्टीरियलिस फ्रेजिलिस आता है। उसके साथ साथ सी मीन क्लॉस्ट्रिडियम परफिरिंजिस के अगेंस्ट यूज होती है, डी को आप साइलेंस करते हैं, ई मीन एंटेरामीबा हिस्टोलाइटिकम के अगेंस्ट यूज होती है, एफ मीन फ्यूजोबैक्टीरियम में यूज होती है, जी मीन गैडियसिस में यूज होती है। उसके साथ साथ जैसे गैडियडिस वेजिनेलिस है, गार्डिनेला वेजिनेलिस है, जैसे कि हमारे पास एच मीन्स एच पाइलोरी के अगेंस्ट यूज होती है, जब हम कहते हैं हेपेटिक एब्सिसिस में यूज होती है, और आई मीन इंटेस्टाइनल वॉल डिजीज के अगेंस्ट यूज होती है हमारे पास मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल जो है मोस्टली इसका मेटालिक टेस्ट है, इसको हम देते हैं मील्स के साथ। इसकी हम टॉक्सिसिटी की बात करें तो ये जो होती है हमारे पास GIT इरिटेशन करती है, हेडेक, पैरास्थेसिस या फिर हम कहते हैं डार्क कलर होता है यूरिन का, उसके साथ न्यूट्रोपिनिया या फिर डिजनेस हो सकती है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप लोगों ने इसको मेट्रोनिडाजोल को मोस्ट इंपॉर्टेंट के लिहाज से देख लेना है। उसके बाद हमारे पास जो बाकी ड्रग्स हैं जैसे कि
परमोमय सीन है, नाइट्रेजोनाइड है, ये आप लोगों ने जो देख लेनी है। उसके बाद हम आप लोगों के पास है ड्रग्स फॉर निमोसिस्टोसिस टॉक्सोप्लास्मोसिस। इसमें जो ड्रग्स आपके पास आती हैं इनको बच्चों जस्ट आप लोगों ने नाम देख लेने हैं, क्योंकि यूएचएस के अकॉर्डिंग जस्ट आप लोगों का नाम ही काफी है। इसमें ट्राइमेथोप्रिम सल्फा मेथॉक्सिजोल का कॉम्बिनेशन है, उसके साथ साथ हमारे पास पेंटेमिडीन है, एंटीफोलेट्स हैं, एटोवाक्यून है और मिसेलिनियस कुछ एजेंट्स हैं। उसके साथ कुछ ड्रग्स हैं जो कि ट्राइपैनोसोमियासिस में यूज होती है। इसमें हमारे पास जिसको याद करने के लिए आप लोगों ने एक वर्ड याद रखना है, एमएस पेन, और एम मीन्स हमारे पास पेंटेमिडीन है, एस मीन हमारे पास सुरेमिन है, पी मीन हमारे पास नेन, नाइफुरमॉक्स है, और एम मीन हमारे पास मलेसोप्रोल है, और हमारे पास ई मीन इफ्लोरनिथीन है। हमारे पास कुछ ड्रग्स हैं जो आप लोगों ने देख लेनी है, ये याद रख लेनी है। और इसमें हमारे पास जो फर्स्ट हमारे पास एंटी प्रोटोजोअल है, उनको याद करने के लिए आप लोगों ने एक फॉर्मूला याद रख लेना है, एंटी मलेरियल ड्रग्स में फॉर्मूला एक याद करना है, CAMPA। ए मीन हमारे पास, सी मीन हमारे पास क्लोरोक्वीन है, ए मीन आर्टिमिसिनेंस है, एम मीन मेफ्लोक्वीन है, पी मीन हमारे पास प्रेमाक्वीन है, और ए मीन एंटीफोलेट्स हैं। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। ठीक हो गया, ओके जी, थैंक यू जी।